तो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। और अब 6 बज चुके हैं और उनको वो जीजू को कृतिका को उठाने आए हैं। तो हमने जीजू को भी कॉल करा है कि अब पता चलेगा कृतिका को साढ़े पहले कृतिका को 8 बजे का टाइम दिया था, लेकिन अब उसको 6:30 बजे का टाइम दे दिया। अब वो जाएगी तो देखो कितनी देर में बच्चा आता है और कैसे। तो मैं आपको जरूर अपडेट करूंगी। सिस्टर इसके कपड़े चेंज। तो गोलू जा रही है तो फाइनली अंदर। धक 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 अरे डॉक्टर को बोलो ना हमें भी अंदर ले चले। नहीं ऐसा अलाउड ही नहीं करेंगे। गोलू जा रही है मम्मी अंदर फाइनली। यही है हम, यही है हम, यही है सारी बात खड़े हैं वेट कर रहे हैं। लेके आके बच्चा बस 6:30 बजने वाले हैं। गोलू को गए भी थोड़ा टाइम हो चुका है। अब देखो वेटिंग धक धक हो रही है ना मेरे को भी। जी ना जा कपड़े तो ले आ ऊपर से। जा रहे हैं ना, पायल देव आवाज सुन के आई बच्चे की। अच्छा बच्चे की आवाज सुनी है। हाँ। बच्चे की आवाज आ गई है, देख लो उसकी आवाज आ गई। हाँ चलो देखते हैं। आ रही चलो ठीक चलो जाओ। तो हम फटाफट भाग भाग के बेबी के देखियो चीकू, ये कृतिका के लिए, बाकी सब बेबी किसी में से चलो। अरे यार कर चीकू अपना पूछ लियो तो लेट होगा। बेबी आ गया। तो गाइस बेबी हो चुका है और मैं और दीदी आए हैं बाहर मिठाइयाँ लेने, और नितिन भाई अभी चीकू भी है तो अभी ऊपर जाके सबका मुंह मीठा करते हैं। बस अभी अभी मैं गोलू से मिलने के लिए आई हूँ। बेबी को तो हमने मिल ली है मगर गोलू से मिलने आई। गोलू ठीक है ना? बेबी सही है। हाँ बेबी सही है, सुंदर तेरे जैसे। ठीक है चलो बस खुश रहे। जैसे आवाज आई ना हुआ है हुआ है क्या हुआ क्या हुआ तेरी बेबी बॉय हुए बल्कि फिर से देखो लड़की होगी तेरी दीदी बॉय हुए। मैं कहती आपको क्या चाहिए था, मैं कि मुझे लड़की चाहिए थी। पायल पायल कहती मुझे भी एक लड़की तो हमारे घर होनी ही चाहिए। मैं तो कोई बात नहीं, हो सकता है कि लड़का लड़की हो जाए। हाँ, हाँ। चलो कोई नहीं। चीकू बड़ा खुश है अब ना। कहाँ नीचे गए हुए मिठाई का डब्बा लेने के लिए। अच्छा हाँ, मैं कहता सबका मीठा मुकर है। चलो ठीक है। तो बताओ अब पूरी स्टोरी। कौन सी स्टोरी? फाइनली बेबी हो चुका है। हाँ फाइनली बेबी हो चुका है। आपका जो भी सारा इंतजार था सारा खत्म हो चुका है। बहुत हेल्दी हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। कृतिका भी बिल्कुल ठीक है। मैं इसके बाद मम्मा ने कृतिका के साथ क्लिप बनाई वो ऐड करूँगी, क्योंकि मेरे को तो जाने नहीं दिया था उन्होंने। लेकिन गोलू बिल्कुल ठीक है, कह रहे बिल्कुल चुप ही नहीं हो रही थी वो। कह रहे हैं आप मुझे कह रहे हैं आप लोग बाहर चले जाओ। तो अभी अभी इसका बेबी हुआ है, इसको ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए। तो आप ना बाहर जाके बैठ जाओ, इसको रेस्ट करने दो थोड़ा। और आपकी जैसी बिल्कुल ग्रीन आइज हुई हैं। हाँ चलो अच्छा है ना नानी बता गए। और मैं चाहती भी थी मेरे पे जाए। चलो सही है। अब वो बेबी गर्ल बॉय आपको बाद में पता चलेगा, बट जो भी है बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, नजर ना लगे। थू थू कर दो। तो गाइस अब जैसे बेबी हो चुका है तो मैं आपको बताती हूँ कि बेबी बॉय हुआ है और बहुत 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 प्यारा है। हम सबको ये था कि बेबी गर्ल होगी बट कोई नहीं, बेबी बॉय हुआ है तो इट्स ओके। हम उसमें भी खुश हैं। जो भी हुआ बस बहुत हेल्दी और अच्छा बेबी हुआ है। बट एक था कि चीकू की बहन आती, अब पायल दीदी का देखो क्या होता है। होपफुली एक तो लड़की हो ही हो। बाकी अब मैं जा रही हूँ कृतिका के पास एक बार पूछने, क्योंकि ना 9:30 हो गए और अब पता नहीं कि उसको कितनी देर में फ्री करेंगे। मम्मी कितनी देर पहले पूछ के गए थे ना कि बैलून्स का, उस बात को भी 1 घंटा हो गया। अभी कह रहे थे फटाफट आएंगे बैलून्स लगा देंगे। कौन से मत लगाने जल्दी बताओ ये वो। ठीक है उस बात को भी 1 घंटा हो गया लेकिन बैलून वाले अब तक नहीं आए। मैं हूँ मिला ही गोलू से तो उन्होंने कुछ सामान मंगवाया था। तो मैंने भूडा भैया को बोल दिया डाइपर वाइप्स कोकोनट ऑयल और एक और चीज़ थी मिल्क पाउडर। तो मैंने भैया को बोल दिया आप फटाफट जाके दे आओ। और फिर गोलू जब ये बैलून्स लग जाएंगे ना उन्होंने कहा तब नीचे आएंगे, और बच्चा को भी थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ कह रहे थे शाम 4:00 बज जाएंगे। हाँ सो जो नींद आ रही है आपको। हाँ सही रात सोई नहीं है। गुड नाइट चलो सो। जब सबके लिए कचौड़ी आई थी तो तब मैंने नहीं खाई थी, तो मैंने अब मंगवाई है। बहुत अच्छा रोल है साथ में। क्या हंस के रहे हो? बैलून सब आए इसलिए। देखो सारे बैलून्स आ चुके। तो गाइस आपको मैंने बता ही दिया कि बेबी बॉय हुआ है। तो आए जी पधारे हैं लड़के हमारे घर में। तो मम्मी आपको एक बात बताऊं, 7:08 पे हुआ है और 6 तारीख है, तो क्या हो गया 786 रोजे। मतलब रोजे वैसे ही चल रहे हैं।
और दूसरी बात हनुमान जयंती है, तीसरी बात थर्सडे है, फिर सारे भगवान का मिक्सचर आया, अल्लाह का बंदा, भगवान, हनुमान जी का, बहुत खुशी हो रही मेरे को, है ना। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे मिलके भाई भाई, ओहो लगना शुरू हो गए हैं भैया, बिल्कुल कभार, पहले ही पाउचेस बना के हैं फटाफट चिपका रहे। तो फाइनली सब कुछ प्रॉपर सच चुका है, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत 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 सुंदर। और ये देखो ये जो सारे वो लगाए ना, क्या कहते हैं इसको, गुलाब के पत्ते, बहुत सुंदर लग रहा है। बस गोलू आने वाली है, जैसे ही गोलू आएगी, गुलाब के फूल, अरे वो पत्ता यहाँ पड़ा हुआ था ना, तो मैं बोल रही थी, तो अब गोलू आने वाली है और मैं बताती रहूँगा आपको। तो अभी बेबी को ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ है, लगेंगे वो कह रहे 6 घंटे या शाम, मतलब आज शाम को या शायद कल, बट मैं कह रही हूँ प्लीज शाम तक दे दो ताकि मैं रात को उससे खेल लूँ, बेचारे क्यूट सा है। और पता सबसे अलग बच्चा लग रहा है, बहुत सुंदर। अभी आएगा तो कृतिका तो आ जाएगी टाइम से, अभी रूम सज चुका है, अब जब बेबी आएगा तो फिर दिखाती हूँ। तो फाइनली गोलू आ चुकी है, देखा है कि अभी भी स्माइलिंग फेस है। वो मुझे कहते हैं कि ना, वो देखो इतनी शिवर कर रही थी इंजेक्शन पे, तुमने ना मम्मी को कहते हैं कि तुमने कमज़ोर बच्चा बनाया। मैंने कहा वो इतनी स्ट्रांग है ना, वो बस बेचारी इंजेक्शन वगैरह से, देखो स्टार्टिंग से ही होता है ना। डर लग रहा था ना वो टीवी चलने से पहले। हाँ तो दे, हम सबको भी ऐसे धक धक हो रहा था। अब बस देखो तो डेकोरेशन कैसी लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है। पर तेरे को भी यही था ना, लड़की होगी तू तो कह रही थी ना उनको चेक करो। बोल रहे थे वो डॉक्टर, कह रहे थे आपको क्या चाहिए, पहले पूछा था मैंने, कहा अच्छा पूछा था चाहिए, ऑपरेशन से पहले पूछ रहे थे व्हाट यू वांट मेक बेबी गर्ल, अब कोई बात ही बेबी बॉय, क्या फर्क पड़ता है। मम्मी वो कह रहे कि 4 से 5 बजे तक आप बच्चे को देख सकते हो, हम दोनों जा सकते हैं बच्चे को देखने, 4 से 5 मतलब 4 बजे तक भी बच्चा नीचे नहीं आएगा, हम अपने उठा के बच्चा ऊपर ले आते हैं, ऐसे थोड़ी हमारा बच्चा है। 4 से 5 के बीच में मैं, आप, जीजू, हम तीनों जा सकते हैं बस, बाकी फिर बिल्कुल ना भी हाथ वगैरह साफ करके जाएंगे, है ना, सैनिटाइजर ना। तो मैं थोड़ी देर सो गई थी और जब मैं उठी तो शैतान मेरे सर पे बैठा हुआ था। टाइम मम्मा टाइम क्या हो रहा है, एक मैं बता रही हूँ गाइस। तो अभी अभी मैं उठी थी और आते मेरे को परांठा पकड़ाया, बहुत अच्छे लगे, आलू आए चीकू नहीं लगती है, खाने की चीज़ नहीं मारते कभी। तो गोलू को पानी पीने के लिए मना करा हुआ था, इसलिए यहाँ पे नारियल पानी रखे हुए हैं। गोलू को पानी पीने के लिए मना किया है इसलिए नारियल पानी लेके आए हैं, वो कह रहे हैं कि नारियल पानी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। बस अभी नारियल पानी दिया, आधे घंटे में उसको चाय देनी है और बिस्किट देना है। तो चाय हमने कंटीन की नहीं मंगाई, हमने शांति को फ़ोन किया है, शांति अच्छी सी चाय दूध वाली बना के दे, और शांति चाय बना के देगी तो गोलू को हम दूध सॉरी चाय और साथ में बिस्किट देंगे मैरी गोल्ड वाली। और पहले तो इनको बिल्कुल कॉटन से पानी पिला रहे थे ना, हाँ नहीं कॉटन से पानी नहीं पिला रहे थे, उसके सारे होंठ सूखे हुए थे तो होंठ को गीला कर रहे थे, पानी देना नहीं था। गोलू कहती मेरे होंठ सूख रहे हैं सारे। अभी जो साथ वालों के दो जो ट्विंस हुए थे, देखिए छोटे नहीं पर वो बोल रहे हैं पिछले हफ्ते हुए, असल में क्या है बच्चे कमजोर थे तो अच्छा। उनको रखा हुआ था हफ्ते से, हाँ नर्सरी में रखा हुआ था तो पतले तो थे ना, छुट्टी तो हो गई थी माँ को, तो छुट्टी हो गई थी, बच्चे आज गए हैं तो दोनों लड़की हैं और दोनों की शक्ल सुंदर से, पायल दीदी की भी एक जैसे ही होंगी। तो फाइनली 4 साल से जिस चीज़ का वेट था वो हो चुका है, मेरे यहाँ पर छोटा सा नन्ना बेबी आ चुका है, लेकिन अभी वो वहाँ पर है, निकू में है, अभी उसको टाइम लगेगा आने में, लेकिन जैसे ही आएगा तो वो ब्लॉग वहीं से शुरू होगा। अभी के वाला ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, ये मेरे छोटे छोटे ब्लॉग से, क्योंकि मैं अभी कुछ बना ही नहीं पा रही, मेरा ध्यान सारा कृतिका की तरफ है और मैं पूरा टाइम उसके साथ बैठी हुई हूँ, उसको देख रही हूँ, बट अभी भी उसके लेग्स वगैरह प्रेस करने हैं सबको, देखिए ऑपरेशन में ना बहुत दिक्कत होती है, ये करना आसान है ऑपरेशन, नॉर्मल मानती दर्द होता होगा बट लेकिन ऑपरेशन भी बहुत हिम्मत है। सल्यूट टू ऑल मदर्स एंड ब्लॉग यहीं एंड करती, बाय बाय, टेक केयर।